मोतिहारी के अरेराज मेन चौक पर फायरिंग से दहशत फैल गई। तुरकौलिया थाने के सेमरा निवासी संजय ठाकुर नामक व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। ठाकुर अरेराज अनुमंडलीय कोर्ट में चपरासी के पद पर तैनात था। संजय के शरीर में 3 गोली लगी है। प्राथमिक इलाज के बाद जख्मी संजय ठाकुर को मोतिहारी रेफर कर दिया गया है। जख्मी युवक की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। हत्या के कारण कुछ संबंध में अभी बताया है। फिलहाल उनके परिजनों से एसडीपीओ अरेराज पूरी पूछताछ करने के लिए गए हुए हैं। उनके परिजनों की बातों को सुनने के बाद में इसको कुछ कहा है। पुलिस अपराधी को पीछे पड़ी है। जी हाँ बिल्कुल, पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने दो जगह के सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज कर दिया है। जो अपराधी जिस दिशा में आए थे, जिस दिशा की ओर गए हैं, उनकी संख्या, उनका आने का साधन, ये सब पुलिस के पास जानकारी मिल गई है। उसके आधार पर पुलिस आगे सर अरेराज कोर्ट परिसर में हुआ है कि कोर्ट के बाहर? कोर्ट परिसर। सर पिछले 24 घंटा में मोतिहारी में सर 3 हत्या हो गई है सर। देखिए एक जो कल हत्या हुई है, पुलिस उसके अनुसंधान में काफ़ी आगे है और मेरे ख्याल से आने वाले 24 घंटे में उसकी पुष्टि हो जाती है। वो प्रारंभिक कारण पता चला है कि आपसी विवाद में उसकी हत्या हुई है और आज जो अभी घटना हुई है पुलिस को शुरुआती अनुसंधान में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जल्दी हम लोग उसको। अरेराज मेन चौक पर हुए इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज किया और इसके बाद जख्मी युवक को मोतिहारी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके से 4 खोखा भी बरामद किया है। अब जाँच के बाद ही इस फंड के पीछे की वजह का खुलासा हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से राजीव रंजन की रिपोर्ट।